हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो गडक रिएक्शन। मैं मोहम्मद शावीज और आज भी मैं अकेला ही हूँ। आज क्या, अभी मैं अकेला हूँ भाई। मैं धाकड़ का भी ट्रेलर थोड़ी देर पहले ही मैंने रिएक्ट किया था। सो यार, ओम ओम का टीजर आ चुका है, जिसमें है आदित्य रॉय कपूर एंड संजना सांगी इन द लीड रोल। संजना सांगी को हम लोगों ने रिसेंटली दिल बेचारा में सुशांत सिंह राजपूत के ऑपोजिट देखा था। उसके बाद हमें कोई कोई भी फिल्म में हमें उनको देखने को नहीं मिला। आदित्य रॉय कपूर को हमने आई थिंक लास्ट देखा था कलंक में। मेरे हिसाब से कलंक ही थी उनकी लास्ट फिल्म। कलंक थी या मलंग थी, आई थिंक मलंग थी इन 2019 और 20। उसके बाद तो डेफिनेटली फिल्में ही नहीं आई बॉलीवुड की उतनी। सो या, ये फिल्म बहुत ही अमेजिंग दिख रही है थंबनेल से। द बैटल विथ इन एंड जुलाई 1 इसका रिलीज डेट है। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन द टीजर, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इसकी डिटेल्स हमने दिए हैं। मुझे क्या पता। बात है, क्या बात है। लड़ाई को जीतने के लिए उसे कई बार लड़ना पड़ता है। ओके। रथ रहे या ना रहे, राष्ट्र हमेशा रहेगा। ओके। हो, दैट वॉज अ धमाका मैन। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना सारा एक्शन। आदित्य रॉय कपूर को मैंने इतना एक्शन, या फिर एक्शन इतना, मलंग में थोड़ा एक्शन बहुत की थोड़ा बहुत की एक्शन किया था उन्होंने, बट इतना सारा एक्शन मैंने आदित्य रॉय कपूर को नहीं देखा है। सो या, प्लॉट के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में ही हमें बच्चे की आवाज़ आती है, और डेफिनेटली आदित्य रॉय कपूर की आती है। सो बच्चा पापा बुलाता है, और सो यहाँ पर बाप और बेटे का डेफिनेटली रिलेशनशिप दिखाया गया है। एंड मैं उसी तरीके से जो उन्होंने दिखाया गया कि दे वॉज अ मोमेंट जहाँ पर वहाँ पर आया कि अबाउट द सर्चिंग एंड द फाइंडिंग ऑल द स्टफ, तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ अबाउट एक बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा है। वो क्यों ढूंढ रहा है, आई कैन रिमेम्बर शिवाय, डेफिनेटली शिवाय में एक ऐसी सीन थी, सीन नहीं फिल्म ही उसी बारे में थी। सो जस्ट मुझे सडन वो ख्याल आया। सो उस तरीके का प्लॉट दिख रहा था। अगेन सडन इन लास्ट, ये रक्त रहे ना रहे, देश हमेशा रहेगा। सो वहाँ पर ऐसा लगा कि दिस इज़ अबाउट द नेशन ऑल्सो, दिस इज अबाउट द कंट्री ऑल्सो। डेफिनेटली दिस इज अ मिक्स प्लॉट एंड डेफिनेटली मेकर्स हैव प्लेड विद अस, मेकर्स हैव प्लेड विद द माइंड। और मैं किसी फिल्म का भी विकीपीडिया पढ़ता नहीं, बिकॉज स्पॉयलर्स मिलते हैं। आई डोंट नो विद दिस इज अ दिस फिल्म इज अ रीमेक ऑफ एनी फिल्म और दिस इज अ ओरिजिनल स्टोरी। उतना सर्च करने के लिए टाइम नहीं था, मैं इसीलिए आप लोग ये मत बोलो कि अरे भाई तुझे सर्च करने के लिए टाइम नहीं था इसीलिए बोल रहा है कि विकीपीडिया पढ़ता नहीं। विकीपीडिया एक्चुअली में पढ़ता नहीं, लेकिन मुझे सर्च करने का टाइम भी नहीं मिला बिकॉज मुझे पता ही नहीं था फिल्म का टीजर आ चुका है। ओके, एक्शन की बात करें सो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ जहाँ पर आदित्य रॉय कपूर को मैं नहीं देख रहा था कि मैं टाइगर श्रॉफ की फिल्म देख रहा हूँ। डेफिनेटली टाइगर श्रॉफ इज़ नोन फॉर दिस ओवर द टॉप ऑफ एक्शन, जो कि आई थिंक बॉलीवुड में अभी टाइगर श्रॉफ के नाम से ही जाना जा रहा है। रिसेंटली हीरोपंती 2, बागी बागी 3, भाई बागी 3 में तो इतना इतना ओवर द टॉप एक्शन किया था उन्हें, उस तरीके का दिख रहा था। ऑल्सो द ग्रेडिंग, द वे व्यूज, द लोकेशंस, ऑल द स्टफ उसी तरीके के दिख रहे थे, वो फीलिंग आ रही थी। बट आई होप के वो ना हो इस फिल्म में, बिकॉज आदित्य रॉय कपूर इज़ एन अमेजिंग एक्टर। उन्होंने अपना काम बहुत अमेजिंग फिल्मों में दिया है, जैसे कि आशिकी 2 हो जाए, या फिर ए जवानी ए दीवानी हो जाए, या मलंग हो जाए, या कलंक हो जाए। फिल्में चली या ना चली, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ऑन पॉइंट होती है। सो यहाँ पर डेफिनेटली आई होप कि वो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, लेकिन या बिगड़े ना, या फिर उनके करियर को डुबा देना, बिकॉज अहमद खान ने ही, अहमद खान का ही अहमद खान इज़ अ अमेजिंग कोरियोग्राफर, आई लव हिम, बट ही वॉज नॉट गुड इन द डायरेक्ट डायरेक्शन स्टफ। आई एम रियली सॉरी सर, अगर आप ये देख रहे हो तो आपका
यू कैन डू डायरेक्शन, लेकिन आप वो जो एक्शन करने का, एक्शन दिखाने का जो टाइप चूज करते हो वो डेफिनेटली लोगों को पसंद नहीं आता. एंड या वी यूज टू यू नो मेक फन ऑफ तेलुगु सिनेमा, साउथ सिनेमा इस ओवर द टॉप एक्शन के लिए. एंड व्हेन बॉलीवुड इज मेकिंग दैट तो डेफिनेटली हजम नहीं होती वो चीज़, ऑडियंस को भी हजम नहीं होती वो चीज़. इसके लिए हम लोगों ने यू नो रिसेंटली आई थिंक हीरोपंती एक दिन पहले रिलीज हुई है और वी कैन सी द रिस्पॉन्स फॉर द फिल्म. डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं है उस फिल्म के लिए रिस्पॉन्स. सो या ओम, आई रियली लव एक्शन जब तक हम हजम कर सकते हैं, नॉट उतना एक्शन जो कि हम हजम ही नहीं कर सकते. KGF 2 रिसेंट फिल्म, ओवर द टॉप एक्शन, लेकिन हम लोग हजम कर पाए उसको. यू नो Baagi 3 ओवर द टॉप एक्शन बट हजम नहीं कर पाए हम लोग. टाइगर सीरीज एक्शन, ओवर द टॉप एक्शन, लेकिन हम लोग उसे हजम कर पाते हैं. या फिर कुछ अलग दूसरी फिल्मों का भी, या वॉर, टाइगर श्रॉफ की खुद की फिल्म वॉर, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ थे, लेकिन उसका एक्शन बहुत ही अमेजिंग था जो कि लोगों ने पसंद भी किया और मैंने खुद तारीफ की थी उस एक्शन की. इफ़ दैट टाइप ऑफ एक्शन इन दिस फिल्म डेफिनेटली इट्स गोना यू नो किल, बट डेफिनेटली प्लॉट भी ज़रूरी है. टीजर में हम लोगों को उतना आइडिया नहीं मिलता, ट्रेलर में ज़रूर मिलेगा. ट्रेलर देखने के बाद वी कैन डिस्कस मोर अबाउट दिस. अंटिल दैट आई रियली लाइक्ड इट, इट्स एन्जॉयबल टीजर. आपको ये टीजर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड रिंग नोटिफिकेशन बेल, ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम्स की डिटेल्स हमने दिए. दिस इज मोहम्मद शाविस साइनिंग ऑफ.